मेदांता हॉस्पिटल के नेतृत्व में कबीर फाउंडेशन द्वारा जांच शिविर का आयोजन झारखंड पब्लिक स्कूल में किया गया। यहां जांच करवाने के लिए अलग अलग जगह से असहाय लोग पहुंचे। सभी ने अपना अपना जांच करवा कर दवा ली। वहीं कबीर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट नीतू सिंह ने कहा कि अभी हम लोग ने जागरूकता अभियान शुरू किया है, आगे इसको बृहद रूप दिया जाएगा। यहाँ के जो असहाय लोग हैं उनको जांच के साथ हम लोग मेडिसिन भी दिला रहे हैं और आगे भी झारखंड के अलग अलग हिस्से में जाकर हम लोग अपना जांच शिविर लगाएंगे। वहीं मौके पर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि और भी लोगों को आगे आना चाहिए और समाज सेवा में अपने हाथ बटाना चाहिए। सुनिए और क्या कुछ कर डिप्टी मेयर। देखिए, आज कबीर फाउंडेशन के माध्यम से मेदांता के सहयोग से झारखंड पब्लिक स्कूल में वार्ड नंबर 30-32 में स्वास्थ्य शिविर लगा है। सबसे पहले तो पूरे आयोजन मंडली को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में, लगभग स्लम क्षेत्र है और वहाँ लोगों को स्वास्थ्य की एक देख रेख सुरक्षा आप लोगों ने मुहैया कराई है, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। कबीर फाउंडेशन लगातार गरीबों के बीच में बहुत सारे कार्य जो सेवा भाव के होते हैं वो कर रहा है। मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, मेदांता को भी, जो अपने CSR के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के शिविर लगा के लोगों की सेवा देने का काम में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। खासकर हमारी नीतू जी, चंदेल जी और इनकी पूरी टीम जो यहाँ लगी हुई है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सेवा भाव का काम है और लोगों की सेवा से बड़ा कोई काम नहीं, नर सेवा, नारायण सेवा। और हम अगर ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हम जीवन के लिए में आए हैं उस जीवन का सार्थक मूल्य निकलता है इससे। देखिए, अभी तो फिलहाल रांची का ही है, मेरा जो प्लान है अभी रांची का ही है और रांची के जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप भी लगवाते हैं। ऐसे तो हमारा काम चलता रहता है दूसरा भी, लेकिन मेन हम लोग फोकस्ड हेल्थ पे ही करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे ही एक स्लम एरिया था, काफ़ी बड़ा स्लम एरिया जिसको हम लोग जानते नहीं थे कि इतने, मतलब रांची के इतने अच्छे सिटी में इतना स्लम है इस तरीके का। तो यहाँ पे अभी जैसे कि आप लोग देख भी रहे होंगे, जो डॉक्टर से भी बात हुई आपके, कि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिनको हाइपरटेंशन का शिकायत है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। और अभी नया आप लोग देख रहे हैं कि सडनली लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो जैसा कि डॉक्टर नरेश त्रिहान ने भी अभी परसों वाले इंटरव्यू में, उन्होंने आज तक पे बोला भी था कि क्यों हो रहा है ये जो सडन हार्ट अटैक और ये जो डायबिटीज़ वाले जो प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया भी कि अगर किन्हीं के पेरेंट्स को हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का शिकायत है, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ का शिकायत है, तो आपके जो बच्चे हैं उनको दुगना होने का चांसेस है। तो आफ्टर 25 इयर्स ही आपको रेगुलर चेकअप में रहना है और अपना हाइपरटेंशन का भी अगर किन्हीं को हो भी गया शिकायत तो रेगुलर डॉक्टर से कंसल्ट में रहिए। अपने आसपास में जो भी आपको अच्छे फिजिशियंस मिल रहे हैं उनसे भी कंसल्ट में रह सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए भी रेगुलर चेकअप कराते रहिए। तो हम लोग बस एक छोटा सा मुहिम उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं जागरूकता अभियान के तहत और इसको फिर हम लोग बृहद रूप पे आगे लेके जाएंगे। जी, हम लोग कुछ लोगों को जो एकदम निहायत जिनका भी कोई मतलब नहीं है उसका मेडिसिंस का, हम लोग मेडिसिंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। अभी तो जैसा कि बताए वो हार्ट अटैक वाला, तो मेदांता एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये लोग CPR टेस्ट होता है, मतलब वो बताया जाता है, वो एक ट्रेनिंग होती है जो ये लोग जगह जगह जाके लोगों को दे रहे हैं कि अगर सडन किन्हीं को हार्ट अटैक आया तो उस टाइम पे एक प्रिकॉशन के तौर पे स्टार्टिंग जो उसको फर्स्ट एड के तौर पे बोल सकते हैं आप, वो दे सकते हैं। तो ये अभी हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को CPR ट्रेनिंग हो जाए। गरीबों के लिए तो हम लोग लगातार पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं, कोविड के पहले से ही कर रहे हैं हम लोग काम। लास्ट ईयर कोविड में कबीर फाउंडेशन को बहुत काम करने का मौका मिला। करीब हम लोगों ने 6 लाख के आसपास का सिर्फ और सिर्फ कोविड का किट बांटा था, जिसमें वो 10 टाइप्स ऑफ मेडिसिन जो भी अवेलेबल्स थे, और उसमें बहुत सारे लोगों ने हमें योगदान भी दिया था और कुछ हमारे रैंक वन लाइफ साइंसेज हैं एक, वो उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। वो लोग हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं मेडिसिन के लिए। नीतू सिंह, कबीर फाउंडेशन प्रेसिडेंट। मेरा नाम तो सबसे पहले जान लीजिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र हेमराम, मेदांता हॉस्पिटल एरबा रांची में एज ए मेडिकल ऑफिसर वहाँ काम करता हूँ। हम लोग यहाँ वहाँ मतलब यहाँ से हम लोग को आप लोग को हेल्थ चेकअप के लिए
ये कौन जगह है, झारखंड पब्लिक स्कूल लक्ष्मी नगर में बुलाया गया है। इस कैंप में हम लोग आए हैं लोगों को समझाना, जागरूक करना, अपना स्वास्थ्य के बारे में बताना है, उसकी समस्या को सुलझाना। इसी वजह से हम लोग यहाँ एक कैंप किए हैं स्कूल में। परेशानी अपना बीमारी है ज़्यादा बता रहे हैं लोग, कुछ ज़्यादा का हमको यहाँ अधिकतर मिला है शुगर वाला, प्रेशर वाला, ये यहाँ की ज़्यादा बीमारी मिला है। और लोगों को नहीं, देखिए इन लोग का दवा नहीं, इन लोग को हम ये बोलेंगे कि आप दवाई खाओ, अपना जीवन शैली बदलो, है ना। खाना साधारण ही खाइए, अच्छी खाना खाने नहीं बोल रहा हूँ मैं, साधारण खाना ही खाइए, यही सब मैं सलाह दे रहा हूँ इनको। जी स्वस्थ नहीं, ज़्यादातर बोल रहे हैं खाने पीने पे ही ध्यान दो, मॉर्निंग सुबह व्यायाम करो, यही बोलता हूँ मैं। दवाई इन लोग को अधिक खर्च, क्योंकि यहाँ गरीब तबके के मरीज हैं, ये तो दवाई ज़्यादा नहीं खर्च सकते हैं। अब जैसे शुगर है, उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बिना चीनी, मतलब डायबिटिक डाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, शुगर फ्री वाला खाना खाइए और अपना जीवन शैली थोड़ा चेंज कीजिए, जैसे व्यायाम करना, मॉर्निंग वॉक करना, यही सब बताता हूँ। जी हम लोग जाना, हम लोग का कैंप जाना चाहिए हम लोग को, करना चाहिए। हाँ हम लोग जाएंगे भी, अगला देखते हैं अगला प्रोग्राम कब बन रहा है। गांव देहात में जाना चाहिए ताकि, हाँ ठीक दादा, आप क्या कुछ दिखाने के लिए आए? ऐसे ही चेकअप, माने ब्लड प्रेशर शुगर एज हो रहा है तो बीच बीच में कराते हैं बस। आपको क्या लगता है कि ये हर जगह शिविर लगाना चाहिए और भी हॉस्पिटल? हाँ, लगाना तो चाहिए, ये तो समाज के लिए और कुछ लोगों के लिए अच्छे ही होता है। नहीं अच्छा, मतलब कैंप इस तरह का कहीं कहीं लगने से बहुत लोगों को ऐसे ही होता है, जैसे आजकल उम्र के साथ साथ हमेशा ही हम लोग को, चाहे हम जैसे बहुतों को चेकअप कराने के लिए जाना पड़ता है। शुगर और ये BP मैन जनरली मेन होता है। मेरा नाम अभिषेक रंजन हुआ, हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं। ये हमारे हैं HOD मिस्टर कुमार यशवंत, उनका एक विज़न है कि हम लोग जो कैंप एक्टिविटीज़ करवाएंगे, एक लोगों के बीच में मेदांता की ओर से एक CSR एक्टिविटी की तरफ से एक मैसेज जाए लोगों को कि हाँ हम लोग आपके सेवा में हमेशा उपस्थित हैं। तो हर जगह हम लोग इस टाइप से कैंप ऑर्गेनाइज़ करवाते रहते हैं। इस बार कबीर फाउंडेशन की ओर से हमें आमंत्रित किया गया कि आप लोग आएँ मेदांता अस्पताल से और हमारे इस झारखंड पब्लिक स्कूल में इस सोसाइटीज़ के लोगों को, लक्ष्मी नगर के लोगों को आप मुफ्त में इलाज करवाएँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।